Good morning friends, today we are going to study about an elementary school classroom in a slum written by Stephen Spender. एक बहुत ही अच्छी पोयम है जिसमें जो स्लम एरिया होता है वहां पे जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उस स्कूल के क्लासरूम में जो बच्चे बैठते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, उनका फ्यूचर क्या होता है एक्सप्लेन किया गया है. दिस पोयम बाय स्टीफन स्पेंडर गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम एंड द चिल्ड्रन इन द क्लास. इस पोयम को स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है. इस पोयम में स्टीफन स्पेंडर स्लम एरिया में जो क्लासरूम है उसका विविड डिस्क्रिप्शन देता है और जो बच्चे हैं क्लासरूम में बैठे हैं उनके बारे में बताता है. द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर डल. जो बच्चे हैं जो उस क्लासरूम में बैठे हुए हैं उनके फेस बहुत ही डल है. देयर अपीयरेंस शोज दैट दे आर अनवांटेड. उनकी अपीयरेंस उनकी आउटफिटनेस उनकी जो लुक्स हैं उससे ऐसा लगता है कि वो अनवांटेड है, यानी कि उनकी कोई जरूरत नहीं है. उनको कंपैरिजन किया गया है वीड से जो अनवांटेड ट्रीज होते हैं. द चिल्ड्रन हैव ग्लूमी फेसेस. जो बच्चे हैं उनके फेस ग्लूमी मुरझाए हुए हैं. देयर हेड्स हैंगिंग लो इन सैडनेस ड्यू टू बींग पुअर. उनके जो सर हैं वो उदासी में झुके हुए हैं क्योंकि वो गरीब हैं. दे हैव डिजीज्ड बॉडीज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी. जो बच्चे हैं उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं जो उनको उनके पेरेंट्स से विरासत में मिली है. वो बेचारे गरीबी के शिकार हैं. एट द डिम एंड ऑफ द रूम. अगर हम बात करें जो वहां पे कमरा है वहां पे लाइट कम है उसके कोने में सिट्स वन चाइल्ड हु हैज ब्राइट आईज विच सीम्स टू ड्रीम. वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी आंखें बहुत शाइनिंग कर रही है और ऐसा लगता है कि वो सपनों में खोया हुआ है. Of playing outside with squirrels. वो बाहर गिलहरी के साथ गेम में खोया हुआ है. He is different from the other in the dim dark room. वो सभी बच्चों से अलग है जो उस dim और dark room में बैठे हुए हैं. The walls of the classroom are dirty. जो classroom है उसकी जो दीवारें हैं वो गंदी हैं. People have donated different charts and images which have been put up on them. लोगों ने बहुत सी इमेजेस और चार्ट्स डोनेट किए हैं जो उन दीवारों पर लगे हुए हैं. वन ऑफ देम इज अ पिक्चर ऑफ द ग्रेट प्लेराइट शेक्सपियर. उनमें से एक पिक्चर जो महान प्लेराइट है शेक्सपियर की है. हिज हेड इज बेल्ड एंड रिजेम्बल्स द राइजिंग सन. उसका जो सर है वो गंजा है और वो रिजेम्बल करता है राइजिंग सन को. द न्यू पोस्टर इज ऑफ द टायरोलीज वैली फुल ऑफ चर्चेज एंड फ्लावर्स which symbolizes the beautiful creations of nature. Next जो पिक्चर है जो पोस्टर है वो टायरोलीज वैली का है जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो फुल है चर्च से और फ्लावर से और जो सिंबलाइज करती है जो नेचर है उसकी ब्यूटीफुल क्रिएशन को. अनदर वन इज अ मैप ऑफ द वर्ल्ड. जो दूसरी पिक्चर है वो एक वर्ल्ड की है. टू दी चिल्ड्रन द वर्ल्ड इज नॉट द वन शोन इन दिस पिक्चर बट इट इज द वन दे सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो. इन बच्चों के लिए जो इन पिक्चर्स में जो दुनिया दिखाई गई है वो उनके लिए नहीं है बट इट इज द वन दे सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडोज. लेकिन ये उनमें से एक है जो क्लासरूम विंडो से वो बाहर देखते हैं. दे आर ट्रैप्ड इन द स्लम्स. वे बेचारे स्लम में फंसे हुए हैं. देयर फ्यूचर इज डिम एंड होपलेस. उनका जो फ्यूचर है डिम है अंधेरे में है और ना उम्मीद है, यानी कि उनको कोई उम्मीद नहीं है अच्छे फ्यूचर की. दे हैव ए डार्क फ्यूचर एज देयर ऑप्शंस इन लाइफ आर लिमिटेड एंड कवर्ड विद डिसमे. उनका जो फ्यूचर है वो डार्क है जैसा कि उनकी लाइफ के जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड है और कवर्ड है डिसमे, यानी कि उनका फ्यूचर अंधेरे में है साफ नहीं है. दे आर फार अवे फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ द नॉलेज. नॉलेज की जो रोशनी है उससे काफी दूर बहुत दूर है. कॉम्प्रिहेंडिंग दीज पिक्चर्स इज बियॉन्ड देयर एबिलिटीज. ये जो पिक्चर्स हैं उनकी एबिलिटीज से काफी दूर की बात है. ये पिक्चर्स उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं. दे हेट एवरीवन एंड फॉर देम शेक्सपियर इज अ वीक मैन. वे सभी से नफरत करते हैं. उनके लिए शेक्सपियर एक बहुत ही वीक और दुष्ट मैन है आदमी है. एज नो वन लव्स देम. कोई भी जैसा कि उनको प्यार नहीं करता. दे डिसलाइक एवरीवन. इसलिए वो सभी को डिसलाइक करते हैं नफरत करते हैं सभी से. द डिजायर फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस फोर्सेस देम टू डू क्राइम्स लाइक स्टीलिंग. जो उनकी इच्छाएं हैं उनका जो लव है किसी चीज को पाने को लेकर वो उनको मजबूर करता है क्राइम करने के लिए, जैसे कि वो चोरी वगैरह कर लेते हैं. द चिल्ड्रन आर सो स्किनी दैट देयर क्लॉथ्स आर लाइक अ स्किन
एंड दियर स्केलेटन इज विजिबल थ्रू दैम। इन बच्चों की जो स्किन है, ये बच्चे बहुत ही कमजोर है, स्किनी है, इसलिए जो इनके कपड़े हैं इनकी स्किन जैसे लगते हैं और उनके जो स्केलेटन है वो उनमें से बाहर झांकते हैं। दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ये सब न्यूट्रिशन की कमी के कारण है। दे हैव वॉर्न लुकिंग ग्लासेस मेड ऑफ स्टील विच आर चीप, हैवी एंड अनकंफर्टेबल। उन्होंने घिसे हुए ग्लासेस पहने हुए हैं जो स्टील के बने हुए हैं और सस्ते हैं और बहुत ही अनकंफर्टेबल हैं, भारी हैं। देयर चांसेस ऑफ फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स एंड मूविंग आउट हैव बीन फर्दर रिड्यूस्ड बाय बिल्डिंग बिगर स्लम्स। उनके जो चांसेस हैं, जो उनके सपने पूरे करने के और यहाँ से बाहर निकलने के, बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो स्लम एरिया है ये बहुत बड़ा हो चुका है। Until they come out of the slums, जब तक वो स्लम से बाहर नहीं आते, they will never know what the world looks like. तो उनको कभी भी पता नहीं लगेगा कि दुनिया कैसी दिखती है। The government system which makes these slum is the cause for these people to live in them. देखो जो government system है, जो सरकारी system है, उसी की वजह से ये बच्चे हैं यहाँ slum में रहने के लिए मजबूर हैं। The education system is such that it forces them to live in these slums. Education system एक ऐसा system है जिसकी वजह से ये लोग slum में रहने को मजबूर है। They are not given the right to dream beyond these slums. इन लोगों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते कि ये इस स्लम से दूर की सोचे। दे हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द स्लम्स। वे लोग स्लम में ही बाउंड किए गए हैं। द पोएट रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू अलाउ दीज चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ दीज स्लम्स सो दैट द मैप ऑन दिस वॉल ऑफ द क्लासरूम बिकम अ रियलिटी फॉर देम। यहाँ पे जो पोएट है वो रिक्वेस्ट करता है अथॉरिटीज से, जो गवर्नमेंट अधिकारी है उनसे, वो इन बच्चों को अलाउ करे इस स्लम से बाहर जाने के लिए, ताकि मैप में जो दुनिया है वो उनकी दुनिया बन सके, वो रियल में इस दुनिया को जीत सके। दे शुड बी टेकन टू द ग्रीन फील्ड रेदर देन द डिम स्लम। उनको भी बाहर ले जाना चाहिए ग्रीन फील्ड में इस डिम स्लम की बजाय। द सनी वार्म सैंड ऑफ द बीचेस एंड द ब्राइट ब्लू स्काई विल इंस्टील अ हंगर फॉर नॉलेज इन देयर माइंड। जो सनी और वार्म जो सैंड है बीच की और ब्राइट ब्लू स्काई है, ये सभी उनके अंदर, उनके दिमाग में हंगर यानी कि ज्ञान की भूख लगाएंगे, यानी कि वो लोग भी जब सब कुछ देखेंगे तो उनके अंदर भी आगे बढ़ने की इच्छा पैदा होगी। देन दे विल अब्सॉर्ब ऑल ऑफ इट। तब वो जाकर इन सबको ग्रहण करेंगे। देन दीज चिल्ड्रन विल बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। तब ये बच्चे इकोनॉमिकली, यानी कि अगर हम बात करें तो पैसों को लेकर, ये बहुत ही पावरफुल बनेंगे, यानी कि तब जाकर इनके पास कुछ धन आएगा। द पोयम एंड्स विद अ पावरफुल लाइन। जो कविता है, जो पोयम है, लास्ट में एक पावरफुल लाइन के साथ एंड होती है। दोज हु मेक हिस्ट्री आर द वंस हु शाइन्स लाइक द सन। जो लोग इतिहास रचते हैं, जो सूरज की तरह चमकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें शार्प इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच।